हरि ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जंसामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तन्न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। मंगलं रुक्मिणी कांतो मंगलं गोपिका प्रियः मंगलं भूपतिः कृष्णो वात्सल्यादिगुणन्नवः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं मंगलं श्रीगुरुर्ध्यानं मंगलं तत्पदम्बुजं मंगलं तज्जपो नित्यं मंगलं गुणकीर्तनम्। हरिशरणम्। भगवद्गीता का पूर्व आलोचना इस वीडियो में हम करते हैं। इससे यह सिद्धांत होता है कि यदि पूर्व जन्म के संस्कारों के अचिंत्य होने के कारण कोई पुरुष काकतालीय न्याय से आकाश से फल गिरने का समान पहले से ही कृतकृत्य हो तो उस पर भी किसी प्रकार का प्रशासन करना शास्त्र को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि वह अपने पूर्व सिद्ध साधनों के अभ्यास के कारण कृतार्थ हो चुका है। भगवत कृपा के रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार जो पुरुष पूर्व भूमिका को सिद्ध कर चुके हैं उन्हें भी उत्तर भूमिका की सिद्धि के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति के बिना वह उत्तर भूमिका सिद्ध नहीं हो सकती। किंतु जीवन मुक्ति की अवस्था में भक्ति से किसी फल की कल्पना नहीं की जाती है, और जो मुनि केवल आत्मा में ही रमण करते हैं तथा जिनकी अविद्या रूप ग्रंथि कट गई है वे भी भगवान की अहित की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री हरि के इस प्रकार के गुण ही हैं अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चार प्रकार के भक्तों में से नित्य युक्त और एक भक्ति करने वाला ज्ञानी ही श्रेष्ठ हैं इत्यादि वचनों से भी यह प्रेमा भक्ति वाला जीवन मुक्त ही मुख्य भक्त कहा गया है। यह सब रहस्य भगवान ने गीता शास्त्र में प्रकाशित किया है, इसीलिए इस गीता शास्त्र की व्याख्या करने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्साहित हो रहा है। मोक्ष का मूल निष्काम कर्मों का अनुष्ठान कहा गया है और उसकी प्रतिबंधक शोकादि पापमय आसुरी संपदा है, जिससे कि स्वधर्म से पतन प्रतिषिद्ध वस्तुओं का सेवन और फल की कामना से अथवा अहंकार पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सदैव आसुरी पापों से ग्रस्त पुरुष पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए अयोग्य हो जाता है तथा अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इस लोक में सभी प्राणी स्वभावतः दुखों से द्वेष करते हैं, अतएव दुख प्राप्ति के साधनभूत शोक मोह आदि का सर्वदा त्याग करना चाहिए। अनादि जन्म परंपरागत संस्कारों से सुदृढ़ समस्त दुखों के कारण और अत्यंत दुस्त्यज शोक मोहादि किस उपाय से नष्ट हो ऐसी आकांक्षा रखने वाले पुरुषार्थ की और उन्मुख पुरुष को
बोध कराने के इच्छुक भगवान ने इस श्रेष्ठ गीता शास्त्र का उपदेश किया है। इस गीता शास्त्र में भगवान ने अशोच्यानंद शोचस्तम इत्यादि वाच्य के द्वारा शोक मोहादि सभी आसुरी पापों की निवृत्ति के उपायों का उपदेश करके अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान करते हुए परम पुरुषार्थ को प्राप्त करो, ऐसा सर्वसाधारण के लिए उपदेश किया है। उपनिषदों में वर्णित जनक याज्ञवल्क्य संवाद आदि के समान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को संवाद रूपा आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। कैसे? अर्जुन यद्यपि प्रसिद्ध महान पराक्रमी था, फिर भी उसका विवेक ज्ञान राज्य गुरु पुत्र तथा मित्र आदि में मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, इस प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न हुए स्नेह के कारणभूत शोक और मोह से अभिभूत हो गया। वह क्षत्रियों के धर्मभूत युद्ध में प्रवृत्त होने पर भी स्वतः ही उस युद्ध से उपराम हो गया और क्षत्रियों के लिए प्रतिसिद्ध परम धर्म परधर्मभूत विख्यातनादि कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार वह महान अनर्थ में डूब गया, फिर भी वह भगवान के उपदेश से इस आत्मविद्या को प्राप्त करके अपने शोक और मोह को त्याग कर पुनः अपने धर्म में प्रवृत्त और कृतकृत्य हो गया। ये सब कहकर इस विद्या की यह अत्यंत प्रशंसनीय और महान प्रयोजन वाली है, ऐसी स्तुति ही की जाती है। अर्जुन के उपदेश करने के व्याज से उपदेश का अधिकारी दिखाया गया है। इसी प्रकार 18 अध्याय में अधिकारी की व्याख्या भी की जाएगी। स्वधर्म में प्रवृत्ति हो जाने पर भी उससे प्रत्युति के हेतुभूत शोक और मोह अर्जुन में कथम भीष्म महान संख्ये इत्यादि वाक्य से दिखाया गया है। विवेक के अभाव में ही अर्जुन की युद्ध नामक स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्ति क्यों हुई, इसका कारण दृष्ट्वा तु पांडवानीकं इत्यादि श्लोक से शत्रु की सेना की चेष्टा ही की गई है। उसके उपोद्धात रूप से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि श्लोक से धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुदुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कूर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र उवाच में जन्मजय के प्रति वैशंपायन का वाक्य है। पहले पांडवों की विजय के अनेक प्रकार के कारणों को सुनकर अपने पुत्रों के राज्यच्युत होने से डरकर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की विजय के किसी कारण को सुनने की आशा से पूछा। पहले से युजुत्सु युद्ध करने के इच्छुक होने पर भी कुरुक्षेत्र में समवेत अर्थात एकत्रित हुए मेरे पुत्र दुर्योधनादि तथा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि ने क्या किया, अर्थात कौन सा कार्य किया? क्या उन्होंने पहले से ही उत्पन्न हुई अपनी युद्ध करने की इच्छा के अनुसार युद्ध ही किया, अथवा किसी कारणवश युद्ध करने की इच्छा से निवृत्त होकर कोई दूसरा ही कार्य किया? भीष्म अर्जुन आदि वीर पुरुषों के कारण जो दोनों पक्षों के लिए दृष्ट भय है वो तो युद्धेच्छा की निवृत्ति का कारण प्रसिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त जो अदृष्ट भय है उसे भी दिखाने के लिए धृतराष्ट्र करता है धर्म क्षेत्र इत्यादि। जैसे अन्न की उत्पत्ति और वृद्धि के कारण क्षेत्र होता है, वैसे ही कुरुक्षेत्र पहले से ही अविद्यमान धर्म की उत्पत्ति का तथा विद्यमान धर्म की वृद्धि का कारण है। यह सब श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है।
जावाल श्रुति में बृहस्पति जाज्ञवाल कैसे कहते हैं, यह जो कुरुक्षेत्र है वह देवताओं की यज्ञ भूमि है तथा सभी जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला स्थान है। शतपथ श्रुति में भी कहा गया है कुरुक्षेत्र देवों के यज्ञ करने की भूमि है। उस कुरुक्षेत्र में गए हुए पहले से ही धार्मिक पांडव यदि दोनों पक्षों में होने वाली हिंसा के कारण होने वाले अधर्म से डर कर युद्ध करना छोड़ दें, तो फिर मेरे पुत्रों को राज्य प्राप्त ही हो गया। अथवा धर्मक्षेत्र की महिमा के कारण पापी भी मेरे पुत्रों का कदाचित चित्त निर्मल हो जाए और वे पश्चाताप पूर्वक कपट से प्राप्त राज्य को यदि पांडवों को दे दें, तो फिर वे युद्ध किए बिना ही विनष्ट ही हो गए। इस प्रकार अपने पुत्रों के राज्य लाभ के विषय में तथा पांडवों के राज्य लाभ न होने के विषय में किसी ठोस उपाय को न देखकर उससे होने वाला महान उद्वेग ही इस प्रश्न का बीज है। संजय, यह संबोधन यह सूचित करने के लिए कि तुमने राग द्वेष आदि दोषों को अच्छी तरह से जीत लिया है, अतएव तुम्हें बिना किसी कपट के ही उत्तर देना चाहिए। मेरे पुत्रों ने क्या किया, इतने मात्र से ही प्रश्न का निर्वाह संभव होने पर भी पांडवाश्च और पांडवों के पुत्रों ने ऐसा पृथक निर्देश करके पांडवों के प्रति ममत्व के अभाव के प्रदर्शन से धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति द्रोह अभिव्यक्त होता है। हरिशरणम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।